हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश, आज आपके लिए लेकर आए केवीएस, एनवीएस और यूपी, एमपी, झारखंड, आरपीएससी, मध्य प्रदेश के जो पीजीटी बायोलॉजी या पूरे इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में जो पीजीटी बायोलॉजी ऑर्गेनाइज कराया गया है, उनका ये सॉल्व सॉल्यूशन है। इनमें 2008 से लेकर 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारी 75वीं के बाद की मे भी कड़ी होगी, मुझे नहीं मालूम है कौन सी मैं कड़ी बना रहा हूँ, अभी मैं चेक करूंगा। तो उसी के आगे का है और ये क्वेश्चन अभी तक हमने आपको 1770 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज 1770 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए हैं, तो काफी बहुत क्वेश्चन हो गया। 1770 बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है और उसमें प्लेलिस्ट में लिखा होगा केवीएस एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2008 के और 17 के बीच में जो क्वेश्चंस हुए उनको विथ डिस्क्रिप्शन आपको हम बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहां जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आप अगर नजर डाल रहे होंगे, वाई क्रोमोसोम पर स्थित तथा पिता से पुत्र को प्रेषित होने वाला जीन कहलाता है। तो देखिए, जो वाई क्रोमोसोम्स होता है ये सब आप जानते हैं कि ये पिता से ही आता है। माँ एक्स एक्स होती है और पिता जो होता है वो एक्स वाई होता है। तो इस जीन्स को क्या कहते हैं? तो पहले से निशान लगा हुआ है, होलैंडिक जीन्स बोलते हैं। तो होलैंडिक जीन्स के नाम से जानते हैं और आप सब जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। उनमें 22 जो पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी होमोलोगस होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो हेट्रोलोगस होता है, यानी एक्स और वाई में का बना होता है। इसमें वाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं होलैंडिक होते हैं। जो कानों पर बाल का आना इसी होलैंडिक जीन्स की वजह से होता है, कान पर बालों का आना। नेक्स्ट है, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन जो प्रोड्यूस्ड होती है वो एस्परजिलस द्वारा होती है। यहाँ चूंकि फंगस दिया है मगर हम आपको बता रहे हैं, एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस। तो एस्परजिलस ये जो निकलता है वो फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस के द्वारा ये निकलता है। और ये जो एफ्लाटॉक्सिन होता है कार्सिनोजेनिक होता है। क्या होता है? कार्सिनोजेनिक होता है, यानी इससे कैंसर उत्पन्न होता है या कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। खासकर ये मूंगफली में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो गली या सड़ी मूंगफली हो उसको खाने से अवॉइड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मुझे लगता है इसका पूरा आपको मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द कोड लिस्टेड बिलो डिपिक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेस, अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था सही क्रम। तो आप सब जानते हैं कि सही क्रम क्या है। तो सही क्रम हम आपको बता दें, लिप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्या होता है? लिप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो देख लेते हैं। तो ये हो गया लिप्टोटीन, फिर हो गया लिप्टोटीन, जायगोटीन। तो जायगोटीन दिया नहीं है, तो लिप्टोटीन और जायगोटीन। और क्या होता है? लिप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। तो पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, और एक इसमें गायब कर, लिप्टोटीन के बाद आती जायगोटीन। तो पांच होती है। तो इसके ऑप्शन से बी सही है। और एक ये भी क्वेश्चन आता है इससे कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो सबसे लंबी अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा। कैसी होती है? सबसे लंबी अवस्था होती है। चलो हम इनका कुछ बता दें। लिप्टोटीन जो स्टेज होती है, ये जो क्रोमोसोम या समसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था की तरह होती है, यानी आपका जो माइटोसिस की तरह होती है, मियोसिस की अवस्था, जिसमें क्रोमोसोम के क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। और इसमें जायगोटीन जो स्टेज होती है, जायगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, लिख लीजिएगा। सिनेप्टो, जायगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन आता है सिनेप्टोनिमल, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार पूछा गया कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बनता है? प्रोफेज में बनता है, लिप्टोटीन, पैकेटीन या माइटो उसमें मेटाफेज में, इस तरह से पूछते हैं। तो सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये बनते हैं हमारे जायगोटीन में। तो आप लिख लीजिएगा कि जायगोटीन जो होती है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं।
दूसरा इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिप्लोटीन में क्या होता है, तो डिप्लोटीन में चीज मेटा बनते हैं, क्या बनते हैं, डिप्लोटीन में चीज मेटा बनते हैं, और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो मैंने आपको बता दूं, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर जी पूछता है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है और डिप्लोटीन में चीज मेटा बनते हैं, और डाइकाइनेसिस में ये जो डाइकाइनेसिस होती है ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है प्रोफेज की। चलो नेक्स्ट आप देख लेते हैं, सॉरी, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर। तो जो सेंट्रोमियर का फंक्शन होता है वो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अब ये होता क्या है ये भी हम आपको बता दें। तो जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय होता क्या है कि यही सेंट्रोमियर से जो स्पिंडल फाइबर से जुड़ते हैं और इनको अपनी अपनी ओर खींचते हैं क्रोमोसोम के अर्धभागों को, जिससे एक कोशिका से क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी हो जाती है। तो ये होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी में बताएं तो हम आपको भी बता दें, हिंदी में बताते हैं आपको कि सेल डिवीजन के समय जो क्रोमोसोम इसके जो क्रोमेटिड्स का केवल एक भाग से जुड़े होते हैं जिन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। एनाफेस में ये क्रोमोसोम को विपरीत जो पोल्स होते हैं खींचने में सहायता करता है। तो ध्रुवों की ओर खींचने में सहायता करता है जो पोल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इन सेंट्रोमियर के बेस पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं चार भागों में बांटा गया है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, चार भागों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट, प्रजाति विविधता व्यक्त करता है, प्रजाति की जो विविधता है वो क्या व्यक्त करता है, तो आप बताइएगा। ऑप्शन पे तो पहले से लगा हुआ है, चूंकि म्यूटेशन ये चूंकि पहले में फाइनली है तो इसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता, तो म्यूटेशन है तो हम ये बता देते हैं कि क्या है इसकी, हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। तो चूंकि यहां कई शब्द दिए हैं, माइक्रो इवेल्युएशन और मेगा इवेल्युएशन, माइक्रो इवोल्यूशन और मेगा इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन, यानी ये जो विकास दिए हुए हैं कि कौन कौन सा विकास हुआ है, तो और म्यूटेशन दिया तो आंसर म्यूटेशन सही है। तो आपको हम बता दें कि जो माइक्रो इवोल्यूशन होता है, तो जो जीव जातियों का प्रत्येक जो आबादी में पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहने वाले जीनों अर्थात जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उनको हम माइक्रो इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। मेगा जो इवोल्यूशन होता है विस्तृत स्तर पर होता है और जीवों में नई नई संरचनाओं का विकास होता है, और इसमें क्या होता है, नई नई विभिन्न जातियों के विकास संबंधी तथा जीव जातियों के विलुप्त का आकलन करते हैं। और जो आप म्यूटेशन की बात करें तो आप सब जानते हैं जीन में होने वाले परिवर्तन को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, नए नए एलील्स का निर्माण होता है, नए नए जीन्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए पोस्ट जायगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, इनमें से कौन सी क्रिया अवस्था पश्च युग्मनज अलगाव तकनीकी है। तो ये होता क्या है, पोस्ट जायगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है, तो वो इसमें जो ऑप्शन सही है तो आप बताइएगा कौन है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो हाइब्रिड स्टेरिलिटी है, संकर अनुवर्तता है। तो जो हम आपको बता दें, जिसमें युग्मनज तो बनते हैं, इसमें क्या होता है, युग्मनज तो बनते हैं यानी जायगोट तो बनता है लेकिन उनका विकास विफल हो जाता है। ये होता क्या है, पोस्ट जायगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, इसमें जायगोट तो बनता है और जायगोट क्या होता है, डेवलप ना होकर फेल हो जाता है, वे स्वजनन नहीं कर पाते हैं। इसकी मुख्यतः दो तकनीक है, मतलब वो आगे चलकर अपना विकास नहीं कर पाते हैं, एक हाइब्रिड स्टेरिलिटी है और एक हाइब्रिड इनवियबिलिटी है, दो होती हैं जो इसके कारण ये अपना विकास नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको अभी पोस्ट जायगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आपको हम फिर बता दें कि जायगोट तो इस विधि में बनता है मगर जायगोट आगे अपना विकास नहीं कर पाता है क्योंकि वो फेल हो जाता है। इसका कारण हाइब्रिड स्टेरिलिटी होता है और दूसरा कारण होता है हाइब्रिड इनवियबिलिटी, इन दोनों के कारण जायगोट अपना विकास नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट,
विंग्स आर बटरफ्लाई बर्ड्स और बैट बर्ड एंड बैट्स, तो ये किसका उदाहरण है? तो दो चीजें बताएंगे, दो प्रकार के ऑर्गन्स आपको जैव विकास में बताए गए हैं जहां एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन दिया गया है। तो इवोल्यूशन में तो उसमें दो दिए गए हैं, एक तो एना और होमो। तो होमोलोगस क्या होता है, एनालोगस क्या होता है? तो होमोलोगस वो होते हैं जिन संरचना तो हमें समान दिखाई देती मगर कार्यों में विविधता दिखाई देती है। सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन में बोल गया, होमोलोगस वो ऑर्गन्स होते हैं, समजात वो अंग होते हैं जिनका भ्रूणी स्थिति पर विकास समान होता है मगर कार्यों के आधार पर विविधता दिखाई देती है। एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें कार्यों में तो समानता दिखाई देती है परंतु उत्पत्ति अलग अलग होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सही होगा वो क्या होगा, आप बता सकते हैं हमें फटाफट? तो इसका आंसर क्या होगा कि जिनकी उत्पत्ति तो समान होती है मगर कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन होगा कि जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है मगर कार्यों में समानता होती है। तो इसका हिसाब से, मेरे हिसाब से ए ना होकर बी होगा, ए ना होकर बी होगा, क्योंकि जो बटरफ्लाई के विंग्स की उत्पत्ति होती है वो अलग होती है, बर्ड्स के विंग्स का मैटर अलग है और बैट के विंग्स का। तो यहाँ विंग्स जो बटरफ्लाई है और बर्ड्स या बैट के, तो दोनों का उत्पत्ति अलग अलग होती है, तो इसके हिसाब से एनालोगस होगा। यदि आपको इसमें कंफ्यूजन हो, आपके हिसाब से अगर होमोलोगस है तो क्यों है, हमारे हिसाब से तो इसमें एनालोगस ऑर्गन्स होना चाहिए, आंसर बी सही है, ये बी वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेसोडर्मल टिश्यू फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन इन फ्लैट वर्म, फ्लैट क्रम के विभिन्न अंगों के मध्य हुए मध्यजनक कोशिकाओं को कहते हैं टिश्यू फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। के बीच में जो मेसोडर्मल टिश्यू जो फिल रहते हैं, भरे रहते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सही होगा, बताइए आप। तो हम आपको ये बता दें कि जो बोरोटाइडल ऊतक जो जोंक में पाए जाते हैं, चपटे क्रम में विभिन्न अंगों के मध्य भरे हुए जो कृतक को मध्यजनक कहते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यजनक के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन तो हमारे हिसाब से क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पैरेन्काइमा। अब हम आपको बता रहे हैं बोटाइडल क्या होता है, ये भी आप लिख लीजिएगा। बोटाइडल जो ऊतक होते हैं जोंक में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा किसमें पाया जाता है, जोंक में पाया जाता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा पौधों में पाया जाता है जो स्क्लेरल टिश्यू में उपस्थित रहता है, तो ध्यान रखिएगा। और जो ये पूछ रहा था, तो जो देह भित्ति एवं अंतरांगों के बीच एक ठोस ढीला डाला मेसोडर्मल ऊतक भरा होता है जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लैडर वर्म इज द लार्वा ऑफ, ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है, तो ये पूछ रहे हैं, तो आप बताइएगा। तो ब्लैडर वर्म जो लार्वा है वो टेप वर्म का, जैसा कि दिया हुआ है। ब्लैडर वर्म लार्वा टेप वर्म के जीवन चक्र में हमें दिखाई देता है। ब्लैडर वर्म लार्वा को सिस्टोसार्कस लार्वा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लैडर वर्म लार्वा को दूसरा नाम सिस्टोसार्कस है। तो अगर ब्लैडर वर्म ना पूछे, सिस्टोसार्कस पूछ दे, तब भी आपको ये चीज याद रखनी है। और दूसरा आपको ये भी बता दें कि जो इकाइनोडर्मेटा होता है, खासकर इकाइनोडर्मेटा की अब हम बात कर रहे हैं, समुद्री जंतु है इकाइनोडर्मेटा, नीचे दिया हुआ है डी नंबर पे दिया हुआ है ऑप्शन, इसका सी तक दिखा रहा है, मैं डी में बता रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा दिया, तो उसका भी मैं मीन्स बता दूं, इकाइनोडर्मेटा दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा एक समुद्री जंतु है, इसका विकास बाइलेटरल लार्वा माना जाता है, ये भी हम आपको बता दें। और कीटों में अब बात करते हैं कीटों की, क्योंकि उसमें इंसेक्ट भी दिया था, तो कीटों में पांच प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, यूरेसी फॉर्म, स्क्रैबी फॉर्म और कंपोडी फॉर्म और इलेट्री फॉर्म और वर्मी फॉर्म, इतने प्रकार के लार्वा हमें देखने को मिलते हैं कीटों में खासकर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, तो फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है मनुष्य के सीने में या मैमल्स के सीने में,
तो मनुष्य में बात करें तो फ्लोटिंग रिब्स की जो लास्ट की कुछ पसलियां होती हैं फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, जिनके इन पसलियों के आगे के भाग स्वतंत्र होते हैं, कुछ किसी से जुड़ा नहीं होता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 12 जोड़ी जो पसलियां पाई जाती हैं, जिसमें से 11वीं एवं 12वीं जोड़ी की जो पसलियां होती हैं वो फ्लोटिंग रिफ्स कहलाती हैं, फ्लोटिंग पसलियां कहलाती हैं, ये किसी से नहीं जुड़ी होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी 12 पेयर रिफ्स आर प्रेजेंट, ओनली 11th एंड 12th रिफ्स आर कंप्लीटली फ्री, दीज आर नोन एज द फ्लोटिंग रिफ्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इज द, तो ट्राइजेमिनल नर्व्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इज द, कशेरुकी प्राणी में ट्राइजेमिनल तंत्रिका होती है, तो पांचवी कपाल तंत्रिका होती है। कौन सी होती है? पांचवी कपाल तंत्रिका होती है। हम आपको बता दें तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक क्रैनियल्स होती हैं और दूसरी स्पाइनल होती है, क्रैनियल और स्पाइनल। मनुष्य में 12 क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं, इनमें पांचवी जो नर्व्स होती है वह ट्राई जेमिनल तंत्रिका कहती है, यह एक मिक्स्ड नर्व्स है और पोन्स के निचले भाग में निकलती है, मस्तिष्क के निकलते ही 3 भागों में बट जाती है। इसे ट्राई जेमिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि मस्तिष्क से निकलते ही 3 भागों में बट जाती है। ऑप्थेल्मिक्स नर्व्स और मैक्सिलरी नर्व्स और मोबडी बुलर नर्व्स के नाम से जानते हैं, 3 भागों में बढ़ जाती है, इसीलिए से हम ट्राइजेमिनल बोलते हैं। पांचवी क्रैनियल नर्व्स है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।